हम इस हफ्ते चिकासी के पास एक गांव तक जा सकते हैं। मैं उस गांव में पैदा हुआ था। वो एक आलीशान गांव तो नहीं है, लेकिन वहाँ ताज़ी हवा है और एक नदी। तुम आराम कर सकती हो वहाँ पे, स्ट्रेस को भूल सकती हो। शुक्रिया, लेकिन मुझे डर है कि मैं नहीं कर सकती। मेरा परिवार एक मुश्किल वक्त से गुजर रहा है और मेरा उनके साथ रहना बहुत ज़रूरी है। मैं समझता हूँ। शुक्रिया इस अच्छे वॉक के लिए और मुझे सलामती से घर पहुंचाने के लिए। क्या हम घर पहुंच गए? लगभग। क्या चल रहा है? वो तुम्हारा परिवार था ना, तुम क्यों नहीं चाहती थी कि वो हमें देखे या शायद मुझे देखे? बात यह है कि मेरी मॉम और मेरी दादी, मैं नहीं चाहती कि वो हम दोनों को देखें। क्यों? क्या ये मेरे बारे में? क्या मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ? नहीं, तुम मॉम और दादी को नहीं जानते। अगर वो सवाल पूछना शुरू किस कर बारे देंगे में? मेरे बारे में कि मैं कितना अमीर नहीं हूँ? ये बात नहीं है। वो कहेंगे कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। वुडीन, तुम्हें क्या लगता है मैं कौन हूँ, एक घमंडी अमीर लड़की? हाँ, मैं नहीं चाहती कि वो हमें देखे, क्योंकि मुझे माफ करना, तुम नहीं समझोगे। नहीं, मैं समझता हूँ। मैं तुम्हें और शर्मिंदा नहीं करूँगा तुम्हारे परिवार के सामने आकर। वुडीन, तुम फिर से मुझसे गुस्सा क्यों हो गए? रुको। शायद मैं नहीं चाहती कि मेरा परिवार मेरी निजी जिंदगी में दखल दे। शायद मैं अभी तैयार नहीं हूं। घर पर आपका स्वागत है माँ। ईशा, हेलो। माँ, आप सच में काफी मजबूत हैं। आप कितनी जल्दी ठीक हो गई। फाइनली मैं घर पर आ ही गई। अरे मैडम जी, घर वापस आने के लिए आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आपको देखकर मैं इतनी खुश हूँ। तुमने तो मुझे दबा ही दिया था। ओजाना, आराम से। मैं कोशिश कर रही हूँ लेकिन नहीं कर पा रही हूँ। हमने आपको बहुत मिस किया। मैंने आपके लिए बहुत डिशेस बनाई हैं आज। दादी, उन्होंने आपको आने दिया? फाइनली उन्होंने मुझे जाने दिया। डॉक्टर मुझे 24 घंटे के लिए रोकना चाहते थे लेकिन मैंने नाटक किया वहाँ। ओके, अब सब लोग घर आ गए हैं तो चलो खाना खाते चलिए। ठीक है। क्या हुआ? ठीक है ठीक है। तो आना क्या वो फिर से आई थी? नहीं, वो नहीं आई। खैर, उम्मीद करती हूँ कि उसे फिर से ना देखूं। चलिए खाना शुरू करते हैं। ओजाना, यहाँ पर सब कुछ डिलीशियस लग रहा है। थैंक यू। दादी, प्लीज मुझे अपनी प्लेट दीजिए। चलिए। थैंक यू। शुक्रिया। ओह, लीजिए। तुम ये सब क्या कर रही हो? मैं ये सब नहीं खा सकती। याद है जब मैं छोटी बच्ची थी, आप एक प्लेट भर के खाना बनाती थी और मुझे सब कुछ खिलाती थी ताकतवर एनर्जी से भरपूर होने के लिए। शायद मैंने एनर्जी के बारे में वो हिस्सा कुछ ज्यादा ही कर लिया था। मैं यहाँ जितना कुछ शादी के लिए बचा सकती हूँ उतनी कोशिश कर रही हूँ और कोई मेरी मदद नहीं करना चाहता। तुम कहते रहते हो कि ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। मुझे जोरियाना से पूछना था बालों और मेकअप के बारे में, पर उसने मेरी बात ही नहीं सुनी। भाभी तो मुझसे शादी के बारे में कोई बात ही नहीं करना चाहती। मैं उन्हें समझ सकती हूँ, वो याना के लिए बहुत ही परेशान थी। अब वो बहुत ज्यादा दुखी रहती, पर मैं क्या करूँ? मुझे भी तो अपनी शादी के बारे में बातें करनी है कि कोई मेरी मदद करे। मुझे क्या करना है? मुझे जाना होगा, डेनिलो कीव के लिए निकलने वाला है। मुझे उसे छोड़ने जाना होगा। वो जा रहा है? हाँ। क्यों? मैं बाद में आकर तुम्हें सब समझाऊंगा। माफ करना। हाँ
हाँ मेरा यकीन करो, मैंने तुम्हें बहुत याद किया। क्या टर्की में एक हफ्ता? शानदार, ये तो एक बहुत बढ़िया आइडिया है। मुझे माफ करना, मुझे लगता है मुझे भी जाना होगा। मैं तुम्हें वापस कॉल करूंगी और वीकेंड के बारे में बात करूंगी। लव यू। कौन है ये? मैं हूं आना। क्या किसी ने तुम्हें कभी ये बताया नहीं कि बिना बताए आना बदतमीजी है? क्या पता अगर मैं घर पर ना होती। बिल्कुल, प्लीज काउच पर लेट जाओ और घर जैसा महसूस करो। यकीन नहीं होता। मैं तुमसे कई बार कह चुका हूं और अब भी वही कहूंगा, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। मैं असली आना के साथ रहना चाहता हूं, उसका ख्याल रखना चाहता हूं, उसकी रक्षा करना चाहता हूं हमेशा के लिए। जरूरत पड़े तो तुमसे भी, याना। खैर सिस्टर, अब तुम्हारे पास वो दोनों हैं, डेनिस और आंड्री, और मैंने सब कुछ खो दिया है हमेशा के लिए।